दोस्तों, लगता है मेरा समय आ गया है मेरे बच्चों की रक्षा करना। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे दोस्त। हमें छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी तरह बहादुर और महान बनाएंगे। अलविदा प्यारे दोस्त, अलविदा अलविदा। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे, हमें तुम पर गर्व है। शेर खान जी, आपकी चाल कामयाब रही, राजा अब नहीं रहा, शिकारियों ने हमारा काम आसान कर दिया। अब उसके बच्चों को जंगल के बाकी जानवर पालेंगे। तुम्हें यकीन है वो नहीं रहा? अभी उनकी बातें सुनी, आपकी इच्छा पूरी हुई जनाब। अब वक्त आ गया बताने का कि असली राजा कौन है। साथियों, राजा हमारे बीच में नहीं रहा, पर इस दुख की घड़ी से बाहर निकलकर अब हमें फैसला करना है कि उन तीन बच्चों को कौन पालेगा। हम में से कौन उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेगा। जाहिर सी बात है, भेड़ियों से अच्छा शिक्षक इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। आप लोगों ने ही तो मोगली को अपने पैरों पर खड़ा किया था। ये सच है कि राजा के तीनों बच्चों को पालना आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने हमारे दोस्त राजा से उनके आखिरी वक्त में वादा किया था, इन्हें पालने में हम सबका योगदान रहेगा, लेकिन उन्हें चमेली के साथ ही रहना होगा। अगर आप कहें, आप सबकी क्या राय है? मैं पूरी कोशिश करूंगी। मान गए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काओ काओ, तुम सब तीन बच्चों की बात कर रहे हो, पर यहाँ तो सिर्फ दो ही हैं। काओ, यहाँ तो सिर्फ दो ही हैं। ये तो गड़बड़ है। सिम्बा कहीं खो गया है? वो राजा का लाडला बेटा है, बस वो किसी मुसीबत में ना हो, आखिर वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि शेर खान के चंगुल में फंस जाए। फिक्र मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जब उसे भूख लगेगी खुद ही आ जाएगा। आओ काओ से पूछते हैं, क्या उसने कहीं देखा है उसे? काओ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हाँ, तुम दोनों वहाँ देखो, सब फैल जाओ, हमें उसे ढूंढना ही है। सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा तो जाल पर सो रहा है। वो जाग गया तो जाल में फंस जाएगा। हमें उसे बचाना होगा। वो क्या कर रहा है? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटा सा सिम्बा मुसीबत में है और बघीरा को खेलने की पड़ी है। बढ़िया, वो मैं शायद गलत था, वो पागल नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे वो जान ही ले लेगा। ठीक है, हमने एक बार फिर से जानलेवा जाल को धोखा दे दिया, अब ये ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सिर फिरा तो है, लेकिन बुद्धिमान भी है। मैं कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारी आंखों से वो चूक जाता बघीरा, तो अभी वो हमारे बीच ना होता। कितनी प्यारी नींद सो रहा है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन ध्यान से, जाल नाजुक है। तुम्हें बघीरा और हाथी को धन्यवाद कहना चाहिए।
उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। देख रहे हो ना ये कितना खतरनाक जाल है, आगे से ध्यान रखना। आज बगीरा न होता तो तुम अपने पिता की तरह अपनी जान गंवा बैठते। क्या मतलब है आपका? कहाँ गए वो? मेरे पिताजी नहीं रहे। जानती हूँ बहुत दुख की बात है, पर तुम्हें सबसे बच के रहना है सिम्बा, खास करके शेर खान से। पिताजी कहाँ चले गए? मालिक, क्योंकि और राजा नहीं रहा, आप इस जंगल पर राज करोगे। आप महान हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो मालिक, ये सच है। आप जैसा कोई नहीं है इस जंगल में महाराज, सही कह रहा हूँ? बात हो गया, चुप रहो। अब यहाँ मेरा राज है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। मैं खतरनाक हूँ, रुक जाओ, वरना मेरे पंजों से नहीं बचोगे। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझ पर दया कीजिए महाराज। ये लो, दया कीजिए, वो मेरा है, वो मुझे दे दो। मालिक आपकी इच्छा मेरे लिए हुकुम है। अब जाकर समझे तुम, अब जाकर उन पिल्लों से निपटो तुम। जी बिल्कुल, ये दो पिल्लों की रक्षा राजा के पुराने दोस्त और बाकी जानवर कर रहे हैं मालिक। तो क्या ये छोटा सा काम मैं करूं? हाँ, जाओ जाकर खत्म करो उन्हें। जैसा आप कहें मालिक। अभी जाकर उन पिल्लों को देखते हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पता नहीं ये जंगल में कैसे राज करेगा। चलो भी सिम्बा, मन छोटा मत करो तुम, तुम्हें लड़ना है मैं समझ सकता हूँ। ऐसा ही कुछ मेरे भी साथ हुआ था, मेरे परिवार को भी शिकारी ले गए थे, पर मैं एक दिन उन्हें ढूंढ लूंगा। मैं होशियारी से अपना बदला लेके रहूंगा। हाँ, बदला? हाँ जरूर। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो, तुम बदल गए हो। किसी को सजा देकर या बदला लेकर नहीं, ज्ञान पाकर ही दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। वो बुढ़ा हो चुका है, ज्ञान बांटता रहता है, उसे बड़बड़ाने की आदत है, तो ऐसे जताने की कोशिश करो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं सिम्बा। समझ गया। अलविदा। जरा ध्यान से। मैं थक गया हूँ। सिम्बा आ गया। मैं भी। अच्छा हुआ तुम घर आ गए, चलो अब आराम करो, जल्दी से अंदर आओ। बस करो तुम दोनों, चलो सोने चलो, लगता है तुम बाहर सोना चाहते हो। यही चाहता हूँ, क्योंकि जब से मेरा परिवार मुझसे बिछड़ा है, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहता हूँ। समझ सकती हूँ। मुझे उसके साथ रहना है, क्या मैं उसके साथ बाहर ही सो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सो जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। चमेली माँ ने कहा है मैं तुम्हारे साथ बाहर सो सकता हूँ, अगर तुम चाहो। सो जाऊं? बिल्कुल, अगर तुम चाहो। ये बाहर कैसे सो सकते हैं? जब शेर खान उनके सर पर खड़ा हो जाएगा तब उन्हें पता चलेगा। चलो। तुम अंदर जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। आज रात मैं उन पर नजर रख लूंगा चमेली। शुक्रिया, मैं चली सोने। आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कोई ऐसी सुनाना जिससे हमें अच्छी नींद आ जाए अगस्त्या। लेकिन क्यों, तुम कहानी क्यों सुनाना चाहते हो? ताकि भविष्य के लिए तुम सब तैयार रहो, ताकि तुम अपने आसपास की दुनिया को और समझो। ज्ञान पाने के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, इसे कभी मत भूलना। क्या वो हर रात ऐसा करते हैं? हाँ वो सभी ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं कि हम हमेशा बस सीखते पढ़ते रहें। Thank you.
जल्दी चल जाते हैं। बड़ा मजा आएगा। बक्षाट। कोई असर नहीं, एक बार फिर बक्षाट। थोड़ा पास चलते हैं। उठ जाओ। उठो। अभी तो सुबह भी नहीं हुई, सोने क्यों नहीं देते? सुबह सुबह कुछ हरी पत्तियाँ खाना बहुत अच्छा होता है। उठ जाओ बच्चों। सच में? इसे आज के लिए अमृत समझ लो और खा लो। शुक्रिया, पर मैं शेर हूँ, मुझे पत्तियाँ नहीं पसंद। इससे अच्छा कोई खरगोश पकड़ लाते। खरगोश में वो गुण कहाँ जो पत्तियों में होते हैं, मीठी पत्तियाँ। मुझे वो नहीं पसंद। खाकर तो देखो, वरना इसका स्वाद कैसे पता चलेगा। हम आज से हर रोज नए पौधे ढूंढेंगे। उम्मीद है कल वाले का स्वाद बेहतर हो। नाश्ते के लिए शुक्रिया। कल इतनी जल्दी मत आना। पत्तियों के साथ ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? कैसे हो नन्हे दोस्तों? सुनो, इससे पहले कि मैं सोने चला जाऊं, जंगल के नियमों वाली ये किताब तुम तीनों पढ़ लेना। हाँ, पकड़ो। ये सारे नियम आज रात को पूछूंगा। अच्छा, चलता हूँ, देर हो गई है। अलविदा, शाम को मिलते हैं। मेरे पीछे आओ सिम्बा, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? बस चलते जाओ। मुझे भी तुम्हारी तरह उड़ना तुम सिखा दोगी? तुम नहीं उड़ सकते सिम्बा, तुम्हारे पास पंख नहीं है। सिम्बा चलो भी। जरा रुको, बस आ रहा हूँ। जो मालिक को चाहिए वो पानी पर चल रहा है। देखो। हाँ, पर इतने छोटे बच्चे ने पानी पर चलना कैसे सीखा? ये नामुमकिन है। मैं अभी जाकर शेर खान को बताता हूँ। बाकी वहाँ देखो। ये तो बक्षोट और सिम्बा है। शेर खान तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। एक तो तुमने एक भी राजा के बच्चे को नहीं पकड़ा, ऊपर से वो अब पानी पे चलना सीख गए हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारी आंखें ठीक है कि नहीं? शेर खान को जाकर खबर देनी होगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये मेरा काम है, अंदर कहीं के। अगर शेर खान को ये पता चल गया तो वो मुझे बिल्कुल निकम्मा समझेगा, लेकिन बताना भी जरूरी है। क्या करूँ? मालिक। कहो, क्या खबर है? मालिक, पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैंने और बंदरों ने राजा के एक बच्चे को हिरणों के साथ पानी में चलते हुए देखा है। मुझे डर है कि कहीं वो राजा की आत्मा तो नहीं। ये क्या बकवास है, मजाक कर रहे हो? इसका अंजाम पता है तुम्हें? उठो, होश में आओ। उठो, होश में आओ। ये लो, शायद इससे तुम्हें कुछ ठीक लगे। आओ, ये सब तुम्हारा है। मैं एक राजा हूँ, फिर भी तुम्हारी ये बकवास सुनकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। जी हुजूर। खा लिया ना, अब इधर देखो,
अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुमने वहाँ पर क्या देखा? ये सच है मालिक, सिम्बा और बगचौट पानी पर चल रहे थे। तुम्हें पता है ये नामुमकिन है, पानी पर कोई भी नहीं चल सकता बेवकूफ। मैं जानता हूँ, पर मैंने और बंदरों ने देखा है, ये सच है। मेरा ख्याल है कि राजा का भूत बदला लेने के लिए वापस आ गया है महाराज। बकवास, भूत भूत कुछ नहीं होता। मुझे पता है तुमने जो देखा उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा जो तुम पता लगाओगे, समझे? कौन मैं, जिसे आप हमेशा बेवकूफ कहते हैं, इसके पीछे का कारण कोई बेवकूफ कैसे जान सकता है? अच्छा मजाक है। बकवास बंद करो, नन्हे पिल्लों को यहाँ लेकर आओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा, समझे? अब जाओ। पहुंच गए, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर आना। सुनो उमन, क्या तुम मुझे तुम्हारी तरह तैरना सिखा सकते हो? माफ करना सिम्बा। क्यों नहीं? तो क्योंकि तुम एक शेर हो, शेर की खाल और पंजों की वजह से तुम तैर तो नहीं सकते, तुम जमीन पर रहने के लिए बने हो सिम्बा। जैसे मैं, चलते हैं। शुक्रिया उमन, फिर मिलते हैं कल यहाँ इसी वक्त। अलविदा। अपना ख्याल रखना बच्चों। शुक्रिया उमन। वो देखो उड़ी। अगर वो भाग गए तो इसकी सजा मुझे मिलेगी और मालिक की तरफ से खरगोश भी नहीं मिलेगा। सिम्बा ध्यान से, तुम जहाँ पर जा रहे हो वहाँ हर तरफ जाल बिछे हो सकते हैं। हाँ? बिना सर का शरीर? नहीं सिम्बा, थोड़ा ऊपर देखो, ध्यान से देखो, ये सवाना है, जिराफ। हाँ, उसका सर तो पेड़ के भी ऊपर है। सवाना जंगल की सबसे ऊंची जानवर है और प्यारी भी, वो मीलों दूर देख सकती है। कैसे हो प्यारे दोस्तों, मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया। क्या ये सिम्बा है, राजा का बेटा? हाँ। तुम्हारा सिर तो नारियल के पेड़ की तरह है, काफी तेज है। हाँ। ओह शैतान, मैं गिरने वाला हूँ। मुझे पता है अभी तुम छोटे हो सिम्बा, पर तुम्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। आज इसका यहाँ पहला दिन है, अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। आज मैं इसे अपने सारे दोस्तों से मिला रहा हूँ, ये धीरे धीरे सब सीख जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ पता है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों, सारे भेड़िये मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए बच्चों। क्या हम फिर से आ सकते हैं? हाँ जब तुम चाहो आ जाओ, पर अभी जाओ, ठीक है? बक्षौर, सिम्बा को कहाँ ले गए थे? मुझे चिंता हो रही थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम्हें इस तरह अकेले नहीं घूमना चाहिए। हम मगरमच्छ की सवारी कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह नदी में गिर जाते तो इस तरह उल्टा गिरते। अच्छा मजाक था, मैं एक दिन तैरना सीख जाऊंगा, देख लेना, फिर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, तुम बैठी रहना यहाँ जमीन पर। बस करो ये सब, अब बस कोई आवाज नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अब सब शांत हो जाओ और सीधा अंदर चलो, खाने का वक्त हो गया है, इसके बाद परिवार के साथ मिलजुल कर रहना सीखेंगे। क्या हुआ सिम्बा, क्या सोच रहे हो? मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था। मुझे पता है तुम्हें उनकी याद आती है, सभी को आती है। चलो अब सभी शांति से अंदर चलो और खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए सिम्बा, वरना सब खा लेंगे और तुम भूखे रह जाओगे। हर काम को वक्त पर ही करना चाहिए सिम्बा। यहाँ
पता नहीं मैं राजा के बच्चों को कभी कुछ ठीक से सिखा पाऊंगी या नहीं। उन्हें इस जंगल में जीना है और इसके लिए ताकत की जरूरत है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि सिम्बा के पिता से हमने वादा किया था। हाँ? उन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी। सिम्बा और उसके दोस्तों को एक नया परिवार मिल गया और एक नया प्यारा दोस्त भी, बकशॉट, जिसकी वजह से वो जंगल को जान रहा था। राजा के सारे दोस्तों ने उससे वादा किया था कि वो उसके बच्चों का ख्याल रखेंगे, पर क्या वो सब मिलकर उसे राजा की तरह नेक दिल और उदार बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। बकशॉट, क्या है? खरगोश पकड़ना मुश्किल है सिम्बा। मैदान में चलते हैं सिम्बा, वहाँ हमें हरी घास मिलेगी। नहीं शुक्रिया, हरी घास तुम खाओ, मेरा खाना तो यही है। सिम्बा वापस आओ, सिम्बा रुको, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा तुम नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा, सिम्बा, तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे। जाओ जाके घास खाओ। सिम्बा, मैंने कहा था तुम ठीक हो? पर मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, चलो खुले मैदान की ओर चलकर कुछ मजेदार खाते हैं। रुको बकशॉट। कहा था खरगोश तुम्हारे बस की बात नहीं है। पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। जाओ जाके घास खाओ।
काओ काओ। अरे तुम यहाँ, तुमने घर क्यों नहीं गए? भूख नहीं लगी क्या? हम चमेली माँ पर खाना खाने के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। क्या कहा, आज निर्भर बनोगे? भूख लगी है काओ। इतनी छोटी उम्र में आत्मनिर्भर होना इस जंगल में बहुत मुश्किल है। चमेली माँ के पास जाओ, वो तुम्हें सिखाएगी जो सीखना चाहिए। नहीं, आजकल वो संजीव की किताब से शाकाहारी व्यंजन के सिवा कुछ नहीं बनाती। ये बात है तो तुम्हें अगस्त्य के पास जाना चाहिए, वो मदद करेगा। वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, काफी किताबें पढ़ी है उसने। हो सकता है वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे जिसकी तुम्हें जरूरत हो। अच्छा तो अब मैं चला अपने रास्ते और तुम चलो अपने रास्ते। शुक्रिया काओ, अलविदा। अलविदा काओ। अलविदा, फिर मिलते हैं। आखिर आ ही गए। वो देखो सिम्बा, कहते हैं यहाँ की घास आपकी सारी भूख मिटा देती है। शायद, पर शेर कभी घास नहीं खाते बकशॉट। बड़बड़ करना बंद करो और ये हरी हरी घास खाओ। सच में? स्वाद अच्छा है क्या बकशॉट? स्वादिष्ट है, और पता है मैं तो दिन भर खा सकता हूँ। तुम भी खाओ सिम्बा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अजीब लग रहा है। सिम्बा मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो बदला लेने के लिए जिन्होंने हमारे माता पिता की जान ली? हाँ मेरे दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शेर खान और उसके चमचे लकी तबाकी और उन बंदूकधारी मनुष्यों से बदला लेना है। तो फिर चलो, अब वक्त आ गया है। मालिक, एक अच्छी खबर है, सिम्बा और बकशॉट पागल हो गए हैं। उन्होंने हमें डराने की भी कोशिश की, पर वो अब आपको ढूंढ रहे हैं जनाब। मालिक, सुन रहे हैं हुजूर? देखता नहीं, मैं सो रहा हूँ। उन्हें आ ले आओ, मैं देख लूंगा उन्हें। देखते रहिए, वो सो रहे हैं। ओ हाँ, ठीक है ठीक है, पर कैसा कहते हैं करो, उन्हें यहाँ लेकर आओ। पर उन छुटंकों का नाश्ता भी करेंगे, लेके आओ उन्हें, मैं तुम्हें नाश्ता बना दूंगा। शेर खान ने कहा कि हमें उन्हें पकड़ना है। फिर तो फौरन छूटना चाहिए। चलो चलो चलो, क्या आज्ञा का पालन करेंगे। ये
करनी तो मुश्किल है। कैसे पकड़ें? अगर हम उनके पास गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। पर उन्हें नहीं पकड़ा तो शेर खान को क्या जवाब देंगे? मुश्किल काम है। देखो कितना उछल रहे हैं। चलो चलो। छोड़ ना मत सिम्बा, शेर खान बचना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे सिम्बा। वो क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलो माँ को लेकर आ, मैं एलेक्स को बुलाता हूँ। सही कहा, उन्हें माँ की जरूरत है। शायद उनके पागलपन को एलेक्स ही ठीक कर पाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी जाओ। उन्हें ये दवा रोज देना, थोड़ी थोड़ी, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है? ठीक है एलेक्स, शुक्रिया। ओह माँ, ओह माँ, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है? सिम्बा और बख्शा पागल हो गए हैं, वो झाड़ियों को नष्ट कर रहे हैं। चलकर देख लीजिए। अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, कुछ अजीब बड़बड़ा भी रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। शुक्रिया। उठो बच्चे। तुमने ऐसा क्या खाया बेटा? मुझे खरगोश खाना था, पर बक्शोट ने मुझे घास खिलाई। कैसी घास? मुझे याद नहीं। वो झाड़ियों से लड़ रहे थे, हमने देखा। हाँ, काफी आतंक मचाया है। तुम्हें पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनमें भी जान होती है। कुछ समझ में आया? तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल गलत था। एलेक्स ने सही कहा, पेड़ भी हमारे दोस्त हैं। मैं उठ नहीं पा रहा। मैं भी नहीं। इसका इलाज है मेरे पास। क्या उससे वो ठीक हो जाएंगे एलेक्स? हाँ, इस जड़ी बूटी के काढ़े से सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, ये लो सिम्बा, पियो, पी लो, पियो। नहीं, पी लो सिम्बा, इससे तुम ठीक हो जाओगे। पियो। बहुत बढ़िया सिम्बा, तुम बहुत अच्छे हो। अब बक्शॉट तुम्हारी बारी है। हाँ, जरा मुंह खोलो बक्शॉट, ये पीकर अच्छा लगेगा। अब ठीक लग रहा है। दोनों एक जैसे हैं। सिम्बा बक्शॉट, शाबाश। अंत भला तो सब भला। चलो अगस्त्य को बताया जाए कि उसका काढ़ा काम कर गया। और मैं इन शैतानों को घर ले जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अलविदा एलेक्स। अगस्त्य। अगस्त्य उठो भी, मुझे तुमसे बात करनी है।
क्या तुम सुन सकते हो? उठो आलसी कहीं के, तुम्हारी मदद की जरूरत है सिम्बा को। तुम्हें सिम्बा को बताना होगा कि जंगल में क्या उसके खाने लायक है। क्या? और बक्शाट को भी, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, पर पहले ये खत्म कर लूँ, फिर उन्हें सिखाता हूँ कि पेट कैसे भरा जाता है। शैतानी मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भूख लगी है। अब बस बिगड़ो, हमेशा खेलते ही रहते हो। तुम यहाँ खेल रहे थे और हम वहाँ शेर खान से लड़कर आ रहे हैं, पता है? सही सुना। खतरनाक है ये तो। हमने आखिर अपना बदला ले ही लिया, ये आसान नहीं था। तुम दोनों डरपोक हो, तुम्हें बस सोचता है तो खाना, सोना और खेलना। जब तुम ये सब कर रहे थे, मैं पिताजी का बदला ले रहा था शेर खान से। बुजदिलो, तुमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। का को देखा अकड़ू? हाँ माँ, वो थोड़ी धूप सेक रहा है। क्या तुम उसे बुला लाओगे? क्यों नहीं। सिम्बा और बक्शॉट की अकल वही ठिकाने लगाएगा। अब देखना तुम, वो सो गए। उन्हें बस इसी की जरूरत थी। सच में? हाँ, नींद की वजह से जड़ी बूटियों का काढ़ा अच्छा असर करेगा। हम तो खेल रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि इनके आसपास मत भटकना, दोबारा नहीं कहूँगा। अगली बार यहाँ दिखे तो देख लेना। कैसे हो प्यारे दोस्तों? मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। क्या तुमने बुलाया था एलेक्स? हाँ, सिम्बा और बक्शॉट ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो अपनी अलग दुनिया में चले गए, पर मैंने उन्हें अभी अपना काढ़ा दिया है, वो ठीक हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ बुलाया था? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें सिखाओ कि दूसरों के साथ आदर से कैसे पेश आए। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? इस काम के लिए अगस्तिया से बेहतर कौन हो सकता है? पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना एलेक्स। सिम्बा, प्यारे बच्चे उठो। बक्शट, जल्दी से उठो, चलते हैं, पढ़ाई का वक्त। हम थके हुए हैं, हमें अकेला छोड़ दो। और कमजोर भी, मैं अब तक तुम्हें निकल गया होता, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा मतलब, जब मैं सपने में खाना देख रहा था तब तक मैं तुम्हारा निवाला बन चुका होता? कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना, कोई मुझे तब तक कैसे खा सकता जब मैं नींद में हूँ? मुझे नहीं लगता। मुझे भूख लगी, अब तो शायद मैं हरी हरी घास भी जाकर खा सकता हूँ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक है सिम्बा, उम्मीद है कि तुमने सबक सीख लिया होगा। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा सिम्बा, हम सब खाद्य श्रृंखला में आते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि जंगल में खुद की रक्षा करना कितना जरूरी होता है, ताकि तुम खतरों से बच सको। और तुम्हें शिकार करना भी आना चाहिए, बगीरा तुम्हें शिकार करना सिखाएगा। और तुम बक्शॉट, तुम्हें पता है कि घास और झाड़ियाँ कैसे ढूंढनी है, और तुम्हें सीखना होगा कि उसमें से खाने वाली कौन सी है और कौन सी नुकसान पहुँचा सकती है। हर जीवित चीजों का एक उद्देश्य है, कुछ चीजें प्राणियों का भोजन बनती है और कुछ चीजें खाने लायक बिल्कुल नहीं होती। पर उन्हें सुरक्षित चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? पढ़ाई करके, उससे तुम अपने बड़े बड़े फैसले ले सकते हो। जैसे कि पढ़ाई से तुम्हें ये पता चलेगा कि हिरण पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी प्राणी होते और हैं। और शेर का भोजन? शेर बिल्लियों की प्रजाति के होते हैं, वो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, तुम्हारी तरह सिम्बा। मैंने बक्शॉट से यही कहा था, मुझे एक मोटा सा खरगोश मिला था पर बक्शॉट ने उसे पकड़ने नहीं दिया। वैसे भी वो बहुत तेज था। बगीरा तुम्हें बताएगा कि शिकार कैसे करना है, ताकि तुम पेड़ और घास अपने दोस्त बक्शॉट के लिए छोड़ दो। उसका खाना है पेड़ पौधे,
और तुम्हारा मांस मछली। कुछ समझे? प्रकृति में हर छोटी बड़ी चीज का एक महत्व होता है, इसलिए तुम्हें छोटे से छोटे कीड़ों का भी आदर करना चाहिए। हर चीज जरूरी है, समझे तुम? चलो भाषण बहुत हुआ, अब इन्हें ये बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो कहाँ मिलेगा। तुम उन्हें ये बताना भूल गए कि वो पेड़ों पर लगे फल भी खा सकते हैं। कुछ पेड़ों के फल मीठे भी होते हैं। मैं भूला नहीं, पर फल सिर्फ बकचोट ही खा सकता है। पर तुमने सही कहा, फलों में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं। बस ये याद रखना कि वो ठीक से पके हों और जमीन पे गिरे हुए हों। जब वो पके हुए होते हैं तब वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे होते हैं। और बचे हुए फलों को जमीन में गाड़ दो ताकि नए पौधे धरती से निकल सके। यही प्रकृति का नियम है जिसे तुम आगे चलकर सीख जाओगे। सच में सीखेंगे क्या? हाँ सिम्बा, पर तुम्हारी उम्र में सीखने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। सुना तुमने, चलो चलकर लुक्का छुपी खेलते हैं। आता हूँ। समझ गया, पर अभी मुझे सोना है। हाँ? कैसे हो तुम लोग? किसी ने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत यहाँ आना है। कुछ गड़बड़ है? हाँ? कोई भारी चीज तो नहीं उठा रही है? लगता है आज बच्चों को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। कोई कुछ तो बताओ, क्या कोई नई शैतानी कर दी? हाँ, आजकल पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं। अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरी सूंड के ठंडे पानी के फव्वारों से नहाना कौन पसंद करेगा? शुक्रिया। वो अभी भी सीख रहा है हाथी। पता है, बस मजाक कर रहा था। अभी ये बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाएंगे। दरअसल मैं भी थोड़ी देर पहले इन्हें यही समझा रहा था हाथी, लगता है इन्हें समझ में आ गया है। ठीक है, फिक्र मत करो, तुम घर जाकर सो जाओ, मैं इनका ख्याल रखूंगा, ये सुरक्षित है। शुक्रिया, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। नन्हे बच्चों, शैतानी मत करना। हाँ, अगर तुम्हें चमेली के हाथों का खाना पसंद नहीं है तो तुम्हें खुद खाना ढूंढना होगा। सिम्बा, तुम बघेरा से शिकार करना सीख ले, और तुम बक्षौर, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है बक्षौर? अगर ये प्रस्ताव मंजूर है तो मैं अभी बघेरा को बुला लेता हूँ। बिल्कुल। उम्मीद है इससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी, हम सब ने वादा किया था, याद है ना? हाँ शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो हाथी। कैसे हो बघेरा? यहाँ जल्दी आने के लिए शुक्रिया, चमेली थोड़ी परेशान है। कैसे हो? मैं इसे खाने ही वाला था कि तुम लोगों ने बुला लिया। सिम्बा को सिखाओ शिकार कैसे करना है, आजकल कुछ भी खाता है। कैसे हो सिम्बा? ठीक हूँ। नहीं, इसे मत छुओ सिम्बा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा शिकार है। मुँह में पानी आ गया ना? बघेरा, बस थोड़ा सा खाने दो, कल तो तुम मुझे शिकार करना सिखा दोगे। ये लो, तुम खा सकते हो, पूरा खा ले, उसके बाद एक अच्छे से नींद ले लो ताकि कल हम शिकार पर जल्दी निकल सके। शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो इन्हें संभालना कितना मुश्किल था, ये सब शैतान हैं। बच्चों को ठीक से पालने का वादा हम सब ने किया था, कल से मैं खुद सिम्बा को शिकार करना सिखाऊंगा। और बकशॉट को अच्छा हिरन बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो चमेली। आज सिम्बा और बक्षॉट बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास खाना है, पर क्या आने वाले समय में वो आज मिली सीख से कुछ सीख पाएंगे? बड़ा और ताकतवर बनने के लिए उन्हें अच्छे खाने की जरूरत होगी। ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।